नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, जनरल हिंदी का पेपर था आज पहली वाली शिफ्ट में और ये पूरा पेपर है। हालांकि ये पेपर आज कैंसिल हो गया है क्योंकि कुछ जगह में ये जो पहली वाली पाली थी वहाँ पे एसए का पेपर दे दिया गया और इसी चक्कर में जो आयोग के अध्यक्ष जी हैं उन्होंने दोनों पेपर आज के कैंसिल कर दिए हैं। आगे वाले जो पेपर हैं वो होते रहेंगे, मतलब ऑप्शनल के होंगे। मतलब अभी जो आप लोग आए हैं यहाँ पे तो जीएस का और प्लस ऑप्शनल का ही होगा। ये हिंदी और एसए के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा, ये इन्होंने लिखा है नोटिस में। चलो जो भी है, आप लोग जो लोग नहीं देने गए उनके लिए, क्योंकि मैं पेपर एनालिसिस लाता हूँ, तो ये है पेपर। देखिए, आज मैं बताऊँ सही बात तो पेपर मेरा ये बहुत अच्छा हुआ था और हिंदी का पेपर पहली बार अच्छा हुआ तो कैंसिल ही हो गया। खैर, लक है। चलो देखिए, इसमें पहला ये आया था आपका पैराग्राफ, ठीक है। बहुत सिंपल सा था पैराग्राफ ये और नॉर्मल हिंदी भी जो लोग समझते होंगे समझ जाएंगे। इसमें क्या है कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे। पहला था जैसे कि समुच्ची धारा को समान धरातल पर खड़ा करना किस प्रकार संभव है, तो लिखा हुआ है। मतलब जरा दो तीन बार अगर आप इसको पढ़ेंगे, और हिंदी के पेपर में बहुत टाइम रहता है, ठीक है, आराम से आप कर सकते थे कि बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, प्लस सबके देश को एक साथ लाना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर देखिए, इसमें दो, इसमें जो यहाँ पर अंडरलाइन करी जाती है उनका भावार्थ पूछते हैं ये। जैसे पहला ये अटकल पिच्चू सिद्धांत, लेकिन अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं भी समझ में आया आपको पेपर में, तो आप अगर कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है ये। और ऐसे ही दूसरा वाला है कि पशु समान स्वार्थी धरातल से ऊपर उठकर मनुष्यता के आसन पर बैठाना, तो ये वाला में भी आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद है कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेखक ने साथ देना कहकर साधन क्यों कहा, इस पैराग्राफ से आराम से हो सकता है। फिर नेक्स्ट ये वाला जो पैराग्राफ है बहुत ही सिंपल है ये। श्रम के ऊपर बताया है कि लेबर कितना ज़रूरी है, फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर, उसके लिए एक आपको टाइटल लिखना है और फिर श्रम का महत्व तो बताया है, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं काफ़ी जो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं उनको करके, ठीक है। और प्लस संक्षेपण, देखिए संक्षेपण में क्या करना है, अब ये पैराग्राफ है जैसे जितना भी बड़ा है इसको आप अपने शब्दों में करीबन इसके 40% वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसके वर्ड ना लिखिएगा, मतलब आप लिख सकते हैं कि जैसे मानव जीवन में श्रम की बहुत महत्ता है और ये हमारे उपनिषद साहित्य से और ऋषि मुनि के चिंतन से भी प्रतीत होता है, और दो प्रकार के श्रम होते हैं। और फिर आप लिख सकते हैं कि जैसे शारीरिक श्रम से, अब देखिए वहाँ पे, अब इसके बाद क्या है कि आपको कीवर्ड कि आलसी आलसपन जाता है, ठीक है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं स्वस्थ दीर्घजीवी और ये श्रम, ये मतलब अब बिना आलसी बने, और ये सब चीज़ें आपको मांसपेशियां सुदृढ़ कराती हैं। और वैसे ही आप मानसिक में भी लिख सकते हैं कि मानसिक में कीवर्ड क्या क्या हो गया, बौद्धिक विकास, ठीक है, और उत्साह और प्लस हर प्रॉब्लम का समाधान, और ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही जल्दी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसमें कीवर्ड्स में लिखना होता है एक्चुअली, ये जो अभी मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये संक्षेपण होता है इसको पीछे जो एक रफ स्पेस मिलता है उसमें आप लिखिए पहले, मेरे से भी दो तीन बार गलत हुआ, तो पीछे आप रफ में काटिए उसको और फिर एक फाइनल जब वहाँ से लिख जाए तभी फाइनल यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक है, और फिर उसके बाद आपके ये अर्ध सरकारी पत्र आया था इस बार, उदाहरण सहित समझाना था, और प्लस दूसरा आया था अधिसूचना। फिर ये उपसर्ग प्रत्यय आए थे, इसमें एक एक लिखना था सबका, उपसर्ग मतलब सफिक्स और ये प्रत्यय मतलब प्रेफिक्स, सॉरी उपसर्ग मतलब प्रेफिक्स और ये सफिक्स, ठीक है, इन सब के विलोम लिखने थे। ये विलोम भी सब इस बार काफ़ी सरल से थे। प्लस ये वाक्यों को शुद्ध करना आया था, और प्लस वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था, ठीक है, और ये कुछ आए थे मुहावरे, 30 नंबर के मुहावरे थे और 10 नंबर का वाक्यांश था, और फिर ये आपका 10 नंबर का शुद्ध करना था, 10 नंबर का ये विलोम शब्द था, और 10 नंबर का आपका ये उपसर्ग प्रत्यय था, और फिर ये 20 नंबर का था। ये पेपर आपको मिल जाएगा ओनली UPPSC चैनल टेलीग्राम में है, टेलीग्राम आप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए ओनली UPPSC, ठीक है, उस पर ही आपको पेपर मैं शेयर कर दे रहा हूँ, कल के भी दोनों पेपर उसी में शेयर हैं। और ये हमारी जो वेबसाइट है www.studyforcivilservices.com, इस पर UPPCS और UPPSC के लिए काफ़ी सारे मटेरियल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।